नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। ताजमहल पर लगातार चल रहे विवाद के बीच अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सत्संग प्रमुख बीते दिन आगरा पहुंची, जहां उन्होंने आगरा जिलाधिकारी से ताजमहल के अंदर पूजा करने की अनुमति मांगी। इसके अलावा उन्होंने ताजमहल के अंदर बाथरूम के पास राधा कृष्ण के फोटो को भी लेकर हटाने की मांग की है। ताजनगरी में डबल मर्डर होने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि एक युवक और युवती की अवैध संबंधों की जानकारी लगने के बाद दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा मामला आगरा के घड़ी चांदनी के घुम्मट के पास का है, तो वहीं घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। यहाँ पर एक शादीशुदा युवती, जो युवती जिसका लगभग शादी को 7 वर्ष हो गए थे, और उसका तथाकथित प्रेमी, उन दोनों की हत्या युवती के ससुराल वालों ने की है। उसके देवर पति और जो उसका ससुर है, उनके द्वारा उन्हें हिरासत में लिए गए हैं इस केस में, और उनके द्वारा जो आला कत्ल है उसे भी बरामद किया गया है। जो डंडे वगैरह जिससे उन्होंने सिरविर पे मारे थे वो भी बरामद किया गया है। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना इलाके के पुलिस लाइन के गेट पर पति पत्नी के बीच जमकर मारपीट हुई और दोनों पक्षों ने बीच सड़क पर एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तस्वीरें आपकी नजर स्क्रीन पर है। खबरों की माने तो पति के अवैध संबंधों के चलते दोनों महिला परामर्श केंद्र पर आए थे, जिसके बाद दोनों में कहासुनी हुई तो पूरा बवाल हो गया। दिल्ली सहारनपुर हाईवे स्थित गेटवे स्कूल पर बागपत पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 20 मिनट के अंदर ही फायरिंग करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान में चांदपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बता दें कि सर्विलांस टीम और स्थानीय पुलिस ने हाल ही में 2 ऐसे शातिर ई रिक्शा चोरों को गिरफ्तार किया, जो रिक्शा चालकों को नशीला पदार्थ खिलाकर उनकी रिक्शा चोरी कर फरार हो जाते थे। और सुनील पकड़े गए हैं, इनके कब्जे से ई रिक्शा बरामद हुआ है। इनका मॉडल सप्रेंड ये है कि ई रिक्शा चालकों से पहले दोस्ती करते हैं, फिर भूख का बहाना लगा करके चाय बिस्कुट वगैरह खाते हैं, उसमें कुछ नशीला पदार्थ दे देते हैं। जब वो बेहोश हो जाता है तो ई रिक्शा चुरा करके सस्ते दामों में बेच देते हैं। हमीरपुर के जिला अस्पताल में सरकारी डॉक्टर्स की मनमानी लगातार बढ़ती दिख रही है, जो 8 बजे का समय होने के बाद भी 9 बजे तक भी ओपीडी में डॉक्टर्स का कोई नामोनिशान नहीं होता। वहीं डॉक्टर्स के इस कदर लेट आने से मरीजों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मैनपुरी में धड़ल्ले से लग रहे बायोडीजल पंप की अनुमति कौन दे रहा है, ये बड़ा सवाल। इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं। ज्वाइंट पेट्रोल पंप के लाइसेंस के लिए कई विभागों की अनुमति और लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है, तो वहीं जनपद में तेजी से बायोडीजल पंप लग रहे हैं, लेकिन किसी को इस बात की जानकारी नहीं है कि भला कौन इन्हें लगवा रहा है और किस विभाग से इनको अनुमति दी जा रही है। बायोडीजल के लिए शासन की तरफ से निर्देश आया है कि टीमें गठित करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि मानसान नहीं है। ठीक है, तो मैं अपने स्तर से जिलाधिकारी महोदय को टीमें गठित करने के लिए पत्र भेजा है। जैसे ही टीमें गठित हो जाती है फिर उनके नियमानुसार जो भी शासन आदेश ने निर्देश दिए हैं उनके अनुसार। प्रतापगढ़ के भूपियामऊ इलाके में शिक्षक के घर लाखों की चोरी होने से हड़कंप मच गया। यहां कुछ अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर 20 लाख की ज्वेलरी और 75,000 नकदी की चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बीती रात छत के ऊपर खिड़की तोड़कर घर में घुसे थे अज्ञात चोर। आरोपियों ने शिक्षक पर नशीली दवा छिड़क कर घर में जमकर लूटपाट की। वहीं सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जाँच पड़ताल शुरू की। संभल के सदर कोतवाली इलाके में वैवाहिक कार्यक्रम में कई गुटों के आपस में भिड़ने से भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि घरातियों और बरातियों में जमकर मारपिटाई हुई है, कुर्सियां चली है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं।
और अब खबर थाना रुधौली के कोठवा गांव से, जहां युवती को पिछले 6 महीने से फोन, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए अश्लील मैसेज भेजने वाले आशिक युवक को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। यही नहीं, ट्यूशन जाते वक्त भी मंचला युवती को फॉलो करता था। पीड़िता कई बार थाने पर शिकायत करने पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन मंचले पर ना तो कोई कार्रवाई की गई, ना ही उसे अरेस्ट किया गया। लेकिन जब पीड़िता ने आईजी से मिलकर मंचले पर कार्रवाई की मांग की, तब आईजी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया है और मंचले युवक को जेल भेज दिया। ये तहरीर दी थी कि उसको इंटरनेट पर और उसके व्हाट्सएप पर मैसेज करके उसको परेशान किया जा रहा है, और उसके जो संबंधी हैं जैसे उसके पिता, उसके जीजा, उनको भी फ़ोन करके उसकी शादी तोड़वाने और उसको परेशान करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके संबंध में पीछे कुछ मीडिया चैनलों द्वारा यह खबर चलाई गई। श्रावस्ती में बाबा का बुलडोजर तेजी के साथ चल रहा है। तहसील जुमनहा के ग्राम पंचायत मरहीपुर कला के मजरा संकलाप कला में तालाब पर अतिक्रमण कर मकान बनाया गया था, जो कि अवैध था। अवैध मकान पर बाबा का बुलडोजर चल गया और मकान को धराशाही कर दिया गया। उप जिलाधिकारी सौरभ शुक्ला के आदेश पर तहसीलदार शुभम तिवारी और राजस्व निरीक्षण कर्मचारियों की मौजूदगी में तालाब और नवीन प्रतीक ग्राम सभा से अवैध निर्माण बुलडोजर लगाकर हटाया गया। तालाब की भूमि पर इन लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर दिया गया, प्रशासन के मत से अनुरूप हटाया जा रहा है, और इसी तरीके के अभी जितने भी अतिक्रमण है। लक्सर में आरतियों पर उप जिलाधिकारी ने छापेमारी की कार्रवाई की है, जिसमें कई आरतियों के खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई की गई, जिसमें कुछ आरतियों के कांटे जब्त किए गए। लक्सर में आरतियों का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल राम ने बताया कि लंबे समय से आर्थ कारोबारियों के खिलाफ शिकायत मिल रही थी कि वो मापतौल में गड़बड़ी कर रहे हैं, जिस पर औचक निरीक्षण किया गया। कई कारोबारियों के यहाँ मापतौल में गड़बड़ी पाई गई, उन सभी के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। विभाग के साथ कुछ जो लक्सर क्षेत्र और सुल्तानपुर क्षेत्र के आड़त वाले थे, उनकी चेकिंग की गई, क्योंकि पूर्व में शिकायत आ रही थी कि कई आड़तियों के द्वारा बांटों में छेड़छाड़ करके चिप लगा करके घटतोली की जा रही है। इस प्रकार कुछ चार जो आड़ती है उनका चालान किया गया है, और दो आड़तियों के मशीन भी सीज की गई, कब्जे में ली गई, और इसमें चालानी कार्रवाई संबंधित विभाग के द्वारा की गई है, और अग्रिम कार्रवाई जो भी उसमें होगी विधिक कार्रवाई की जाएगी। लक्सर के बहादुरपुर खादर गांव के पास कुछ युवकों ने दो युवकों को घेर कर मार पिटाई की थी, जिसमें एक युवक को गंभीर चोटें आई थी। पूरा मामला पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित युवक ने मामले की तहरीर लक्सर कोतवाली पुलिस को दी, जिसमें पहले 3 दिन तो पुलिस ने लापरवाही बरती, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दो लोगों को नामजद करते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और मामले की जाँच शुरू की, जिस पर लक्सर कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि मामले की बारीकी से जाँच की जाएगी और आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बसपा के पूर्व MLC हाजी इकबाल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। पुलिस ने हाजी इकबाल के दूसरे बेटे जावेद को भी गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पूर्व MLC हाजी इकबाल, उनके बेटों और अन्य कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं, जिनमें हाजी इकबाल के बेटे जावेद के खिलाफ भी रंगदारी मांगने, कोर्ट में जाली दस्तावेज दर्ज करने और जमीन की धोखाधड़ी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किए गए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जावेद को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि हाजी इकबाल का एक बेटा पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। करीब 2 सप्ताह पहले ही पुलिस ने हाजी इकबाल के बेटे अलीशान को गिरफ्तार कर लिया था। गदरपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में BDC की बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर जनप्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं विभागों के अधिकारियों के सामने रखी। इस मौके पर जिला कार्यालय विकास अधिकारी डॉक्टर महेश कुमार ने बताया कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के साथ सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस बैठक में मुख्य समस्याएं बिजली पानी को लेकर आई थी, जिनको जल्द सही करने के निर्देश कर्मचारी अधिकारियों को दिए गए हैं। सभी BDCO की एजेंडा बैठक था, उसमें मुझे भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस बैठक में रहने का सौभाग्य हुआ, और सभी चीज़ों का निचोड़ एक ही दिखला कि सड़क बन रही है, मान लो पानी की लाइन बिछ रही है तो सड़क उखड़ रही है, उसके बाद PWD का रोल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आपसी विभागीय लड़ाइयाँ हैं
उनके कारण सभी चीजों की व्यवस्थाएं जो चरमराई हुई हैं, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि अधिकारी भी शामिल हैं और यहाँ पर क्षेत्रीय जनता और जो उनके प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर उपस्थित है। और जो मुख्य रूप से मुद्दे आए हैं वो उसमें बिजली के मुद्दे आए हैं और पेयजल के समस्याओं के संबंध में यहाँ पर। पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल बने इसके लिए उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में डीजीपी अशोक कुमार पहुंचे और सिटी क्लब में जनसंवाद किया। इस दौरान स्थानीय नागरिकों से डीजीपी ने संवाद किया तथा उनके निराकरण को एसएसपी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जनसंवाद में ट्रैफिक की समस्याएं अपराध का मुद्दा प्रमुखता से उठा। वहीं डीजीपी द्वारा सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्योरली रेवेन्यू से संबंधित होते हैं किंतु बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस का भी रोल होता है, तो अच्छी पुलिस उसी को मानता हूं मैं जो उसमें तत्काल कार्रवाई करके झगड़ों को निपटाए जिससे झगड़ा आगे ना बढ़े। हमने बार बार पुलिस को निर्देशित किया है, आगे पुनः निर्देशित करेंगे कि जमीन संबंधित अगर झगड़े में कोई भी पुलिस का रोल है तो उसको तत्काल उसको निभाएं अच्छे से और न कि उसे टाल मटोल ना करें। सरोवर नगरी नैनीताल के डीएसबी कॉलेज में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कुमाऊं विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। बता दें कि विश्वविद्यालय में आयोजित प्रतियोगिता में 120 में से 95 गोल्ड मेडल बेटियों ने प्राप्त किए हैं, जिस पर राज्यपाल ने बेटियों की सराहना करते हुए कहा कि बेटियां किसी से कम नहीं है। इससे ये पता चलता है कि बेटियां कितनी विशिष्ट क्षमताओं से युक्त हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की नारी शक्ति अलग ही नेतृत्व क्षमता से युक्त है और उनके बड़े योगदान से हमारे देश और विदेश का मान सम्मान बढ़ रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ। At GM.